नमस्ते, मैं अर्चना आर्ते टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऑथेंटिक रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट है। उसका नाम है चुरमा लड्डू। शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। थोड़ा सा गर्म है घी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये आटे को सख्त गूंदना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे गूंदेंगे। आटा गुन के हो गया है, इसे एकदम सख्त गुनना है। अब हम इसकी छोटी छोटी ऐसे जाड़ी जाड़ी रोटी बना के लेते हैं, मतलब ऐसे, क्योंकि हमें ये फ्राई करना है तो ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। कोई कोई ऐसे भी करते हैं, मुठिये बोलते हैं उसको, ऐसे भी करते हैं, लेकिन उसे पकने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक तरफ मैंने घी गरम करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है, हम उसमें ये फ्राई कर लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह से लाल रंग के ऊपर फ्राई करना है, इसे होने देना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से कर लेना है, इनका कलर पूरा चेंज होना चाहिए। अच्छी तरह से लाल हो चुकी है, अब इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी छोटी पूरियां तल लेते हैं। इसी कढ़ाई में 4 टेबलस्पून घी लेना है और उसमें डालना है 4 टेबलस्पून बेसन और 3 टेबलस्पून सूजी और इसे अच्छी तरह से होने देना है। इसे कंटिन्यूअस भूनते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमने जो पूरियां तल के रखी थी उसको हम मिक्सर में से ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से हो गया है। इसे हम बेसन और सूजी के मिक्सचर में डाल देते हैं। इसी तरह से सारे पूरियों का चूरमा बना लेते हैं। अपना चूरमा तैयार है। अभी हम लड्डू बना लेते हैं। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर। 150 ग्राम गुड़ लिया है और यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक गुड़ यूज किया है, वो डाल देते हैं। चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। पहले मैं चम्मच से कर लेती हूँ और बाद में मैं हाथ से ही मिक्स करने वाली हूँ।
और अगर चाहिए तो ऐसा लगा कि सूखा है तो हम उसमें और थोड़ा घी यूज कर सकते हैं। अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है सारा मिश्रण, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लेते हैं। हमारे चूरमा लड्डू तैयार है। चूरमा लड्डू की रेसिपी आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, लेकिन आप एक बार एक खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और हमें कमेंट्स में कहना कि आपकी ये चूरमा लड्डू की रेसिपी कैसी बनी है, और टेस्टी सफर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।